श्री विशाखा सखी जी के अवतार हुए हैं हरिराम व्यास जी, उनका पद है। व्यास आस सागर में डूबे, जो आशाओं के सागर में डूब गया उसकी आई भक्ति विसारी, आई हुई भक्ति भी चली गई। आशाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में जो डूबे हुए हैं, भक्ति आकर भी लौट जाएगी, रह नहीं सकती है। श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद जी की बातों को सुनकर प्रभु ने कहा, प्रहलाद तुम हमारे सेवक हो या नहीं? बिल्कुल नाथ, और हम तुम्हारे स्वामी हैं। सेवक का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अभी तक तो केवल अनुरोध कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, पर अब आज्ञा देता हूं कि तुम कुछ मांगो, मतलब अब मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जब ऐसी ही बात है तो फिर मैं अवश्य मांगूंगा। यदि राशीश मे कामान वरांस्तम वरदर्शभ, आप वरदर्शभ हैं, श्रेष्ठ वरदान देने वाले हैं, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे, मैं जानता हूं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। ये कामनाओं के जो कारखाने चित्त में खुले हुए हैं, आप इन कारखानों को बंद कर दो, यानी जीवन में कभी कोई कामना का अभ्युदय ना हो चित्त में। नृसिंह भगवान चकित थकित थे कि प्रहलाद जी कितने चतुर भक्त हैं, मतलब मांग भी लिया और निष्काम भी बन गए। श्री प्रहलाद जी महाराज प्रभु से प्रार्थना किए हैं, मनुष्य की 12 शक्तियां कामनाओं से नष्ट हो जाती हैं, जो उसे दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वो शक्तिहीन हो जाता है। 12 शक्ति, इंद्रियाणी, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है कामनाओं से, मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, इंद्रियाणी मन प्राण, प्राण की शक्ति शिथिल हो जाती है, आत्मा की शक्ति शिथिल हो जाती है। इंद्रियाणी मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति, धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है, धृति माने धैर्य क्षीण हो जाता है, मति बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है, और ह्री लज्जा शक्ति नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, तेज नष्ट हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, और सत्य नष्ट हो जाता है। ये 12 शक्तियां कामनाओं से नष्ट हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है कामनाओं के कारण, बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए हे नाथ, सच्ची कृपा आपकी यही है कि जीव, आप जिस पर सच्ची कृपा करते हैं उसकी कामना की पूर्ति नहीं करते, उसकी कामनाओं को ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि पूर्ति में तो फिर भी हानि है, पूर्ति हो गई तो फिर कामना पैदा हो जाएगी, अब ये पूरा हुआ तो ऐसा भी हो जाए, फिर यह भी हो जाए, फिर वह भी हो जाए। तो आप जिस पर कृपा करते कामनाओं की पूर्ति नहीं करते, उसकी कामनाओं को ही समाप्त कर देते हैं। हे नाथ, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे पिता ने भ्रातृ हत्यारा समझकर आपसे द्वेष किया है, और जो आपसे द्रोह करेगा उसकी कभी संगति तो हो नहीं सकती, पर फिर भी आप कृपा करें उनका कल्याण हो जाए। नृसिंह भगवान ने हंसते हुए कहा, प्रहलाद यत साधो से गृहे जातो भगवान वे कुल पावन, जिस घर में एक साधु का जन्म हो जाए, एक साधु पुत्र अवतार ले ले, तो कुल पावन, उस संपूर्ण कुल का कल्याण हो जाता है। तुम केवल अपने पिता की बात कर रहे हो, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, जबकि प्रहलाद जी की तो 21 पीढ़ियां हुई भी नहीं। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु के पिता कश्यप जी, कश्यप जी के पिता मरीचि, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता नारायण भगवान, नारायण भगवान की नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। 5 पीढ़ियां हुई हैं तो 21 पीढ़ी का उद्धार कैसे हो जाएगा? आचार्यों ने भाग दिया है कि इस जन्म से पूर्व भी जिन जन योग
योनियों में प्रहलाद जी जहां जहां जब जब भी रहे होंगे और उन उन योनियों में भी उनके जो जो माता पिता रहे होंगे उन सबका कल्याण हो जाए प्रहलाद जी की भक्ति से। इतनी महिमा है भक्ति। कभी कोई किसी जन्म में पुत्र रहा होगा उसने भक्ति की होगी, उसकी भक्ति के प्रताप से उसके प्रभाव से चाहे जिस योनि में वो माता पिता चले जाएं, चाहे जहां चले जाएं, लेकिन उनका कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है, निश्चित रूप से। इसलिए संतति को भक्ति के संस्कार देने बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। प्रहलाद जी प्रभु की बात सुनकर बड़े आनंदित हुए, भक्ति की महिमा को सुनकर बड़े आनंदित हुए और उसके बाद पिता की अंत्येष्टि क्रिया की है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को राज्य शासन करने की आज्ञा दी है। उसके पश्चात एक मनवंतर तक, एक मनवंतर यानी 30 करोड़ वर्ष तक प्रहलाद जी ने राज्य शासन किया। और इस तरह से सप्तम स्कंध की संक्षेप में चर्चा संपन्न हुई। आगे 8वां स्कंध श्रीमद् भागवत जी में मनवंतर स्कंध के नाम से जाना जाता है। इसमें अनेकानेक मनवंतरों का वर्णन हुआ है। मनवंतर एक समय को कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर 30 करोड़ वर्ष का होता है। हर मनवंतर में देवता, सप्तर्षि, मनु, सूर्य, चंद्रमा सब बदल जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी के एक